हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है कर्नल रणजीव देशद्रोही से सामना, देशद्रोही से सामना, 1971 इंडिया पाक वॉर और गोरखा रेजिमेंट। चलो देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। फील्ड मार्शल मानिक शाह सर ने बोला कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन है, इस तरह से किया जाएगा और हवा के रास्ते से आपको कूदना है, तो कितने लोग हो जिसके लिए तैयार हो? तो आप कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया। यानी वो सरप्राइज्ड, अरे इतनी बड़ी फौज है और तुम लोग इतने से लोगों ने हाथ खड़ा किया, बस दिक्कत किधर है? कोई दिक्कत नहीं, हवाई जहाज में आपको लेके जाएंगे और फिर आपने पैराशूट की मदद से नीचे आ जाना है। तो फिर बहुत लोगों ने रिएक्ट किया, बोला सर पैराशूट भी मिलेगा? मतलब कुछ गोरखे तो सिर्फ बिना पैराशूट के तैयार थे जो उन्होंने कुछ जाएंगे। पहली बार और आखिरी बार बता रहा हूँ, तेरे माँ बाप हैं, मैं जो सिखाया है तेरे को ना, एक टॉपिक देता हूँ, कोई भी 3-4 टॉपिक, तू एक टॉपिक पे इंग्लिश में बोल के दिखा जो तेरे आगे आने वाले। बिलीव मी, उसने 3 मिनट बोला आंख में आंख डाल के, एंड उसकी मदर जो थी जिन्होंने मास्क लगा रखा है पहले मुंह पे, वो हटा के एंड आई कुड सी है ना रो रहे हैं, और उसके फादर हैं वो बड़ी मुश्किल से बहुत हिम्मत करके बोला उठाते हैं, मैंने वो खड़े भी हो गए यार, और खड़े होकर वो हालांकि बहुत जोर से नहीं बट ऐसे ऐसे किया उन्होंने। देन आई टोल्ड हिम, मैं बेवकूफ़, 3 मिनट बोलने से अगर तेरा फादर खड़ा हो सकता है हिम्मत करके, ताली बजा रहा है तेरे लिए, और तेरी मदर अगर है ना रो रही है कि मेरा बच्चा है, जस्ट इमेजिन थोड़ी और मेहनत कर लेगा, यूनिफॉर्म लगा ली और एक सलूट मार दिया तूने इनको, क्या बचेगा इनमें? दोस्तों हमने बहुत सारे मिलिट्री पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं, रिलीज किए हैं, पर हमें एक बहुत ज़्यादा इंटेंस एपिसोड मिला था कर्नल बैरवान के साथ, इंग्लिश एपिसोड था वो। एपिसोड बहुत बड़ा हिट बन गया, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी रिस्पॉन्स दी उस एपिसोड पर, आई प्रॉमिस यू ये जो हिंदी वाला एपिसोड है ना उससे भी ज़्यादा इंटेंस। अच्छा, वही हिंदी में आपको पहले के 10 मिनट में ही इंटेंसिटी फील हो जाएगी। बहुत कुछ नहीं कहूँगा कर्नल बैरवान के बारे में, पर ये डेफिनेटली कहूँगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस गेस्ट थे। क्यों, खुद जानिए, आगे देखिए टीआरएस हिंदी का ये मिलिट्री स्पेशल। जय हिंद। मिस्टर मानिक शाह ने बहुत पहले कहा, मैंने सुना था। कर्नल राजीव बैरवान, वेलकम टू टीआरएस हिंदी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो सर? एब्सोल्युटली फाइटिंग ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है यार। इट्स ऑलवेज गुड है ना, अच्छा लगता है यंगस्टर से बात करके, यू फील दैट वाइब। तो ये भी यंग लग रहे हैं। अभी हाल ही में हमने 2 घंटे का लंबा इंग्लिश पॉडकास्ट शूट किया था। हिंदी पॉडकास्ट का फ्लेवर थोड़ा सा अलग होता है। कोई बात नहीं यार, अलग अलग फ्लेवर ट्राई करने चाहिए। हाँ जी, सारे फ्लेवर इंपॉर्टेंट हैं जी। आई फील कि मोस्टली मिलिट्री पॉडकास्ट में ना मैं यूजुअली मिलिट्री कॉलेज से इन पॉडकास्ट की शुरुआत करता हूँ, बट इन योर केस मेरे को ठंड से शुरुआत करनी है। हाँ? क्योंकि कोई बात नहीं, इंग्लिश पॉडकास्ट से मुझे ये पता चला कि आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। आपने इंडिया में जेएनके में भी सर्व किया, नॉर्थ ईस्ट में भी सर्व किया, आपने अफ्रीका में भी सर्व किया, और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम शायद ऑनलाइन कह भी नहीं सकते। उन चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस किया, यू आर अ पार्ट ऑफ क्लासिफाइड ऑपरेशंस एज वेल, इसलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैं ठंड से करना चाहूँगा सर। हाँ, लाइफ में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ महसूस हुई है और क्यों? ठंड कहाँ महसूस हुई है यार, अगर मुझसे पूछोगे मैं जब कमांड कर रहा था यूनिट में एज बटालियन कमांडर, तो मेरा एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने सभी को बताया था शुरू में, मैं कुछ भी हो जाए चाहे आप लोग मेरे को कभी ये रिक्वेस्ट मत करना कि पीटी और अपना फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दो, नेवर, ये रिक्वेस्ट कभी आनी नहीं चाहिए। एंड फिर एक दिन मेरे पास में एडजुटेंट आता है, कह सर वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। मैं कितना? कैसे -35-38 के बीच में रेंज कर रहा है। मैं ठीक है, पता लग गया, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद में दूसरा अहदेदार आया, आया पता तो मुझे था कि वो कहना क्या चाह रहा है, बट मैं तैयार नहीं था उस चीज़ को मानने के लिए। कैसे टेम्परेचर बहुत ठंडा हो रहा है, मैं किसको इसको ठंड लग रही है? बोलो सभी को, सब यूनिट में सब ट्रुप्स वगैरह सब बोल रहे हैं बहुत ठंडा है। आई होप आप लोग ये नहीं कहना चाह रहे पीटी कैंसिल कर दें। पॉइंट तो यही है सब। ओके गुड, कितनी देर करते हो पीटी? बोला 8 से 9। 2 घंटे कर दो, 8 से 10, मैं इतने में गर्म हो जाएगी बॉडी। बोला यार ये आदमी तो उल्टा ही ले रहा है। दिन सेट की साहब थोड़ा ठंडा ज़्यादा है, मैं 3.5 घंटे जितना चाहिए उतना कर देते हैं। तो बोला भाई इसको समझ में नहीं आ रही।
देन फिर मैंने क्या किया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा था, पास में से इंडस रिवर निकलती थी, बट इतना ठंडा था मैं सबको नदी के पास में लेके गया, मैं तुम लोगों को स्पा में लेके चलता हूँ, स्पा में कहाँ पे, मैं नेचुरल स्पा है, होली डिप करते हैं, मजा आएगा। ठंड पानी में जाके पहले शर्ट उतारी, उसके बाद में वेस्ट उतारी, और उसके बाद में जब लोगों को होली डिप दी उसके अंदर, तो उसके बाद में जो चीखें आई और जो जो मतलब निकले हैं ना उनके मुँह से शब्द, आई कांट इवन टेल यू, दिल खोल के मतलब भावनाएं बाहर आई। पहले उसमें गाली गलौज से मस्ती लेके सब कुछ था, मैं सेम टू यू, जो तुम मुझे बोलोगे सेम टू यू। एक गया दूसरा गया, बट उसके बाद में माहौल ऐसा बनता गया, उसके बाद में तो मेस पार्टी के बंदे थे वो भी आगे दौड़ गए, सब मैं भी आ जाऊँ तो आ जाओ मोर द मेरियर, एक एक करके सबने ठंडे पानी के अंदर डिप लगाई, उसके बाद में देर आफ्टर कभी शिकायत नहीं आई कि वो नहीं हो जाता, नॉर्वे में होता लग रही है, मुझे बता देना, शर्तिया इलाज है मेरे पास में। वो आखिरी दिन था यार, उसके बाद में ना कभी किसी ने मुझे नहीं कहा, बट एक हमने बटालियन फोटोग्राफ भी शूट किया था -38 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, ना कोई इनर पहना था ना कोई थर्मल वियर थी, बिकॉज ठंड हो गर्मी हो ऑपरेशन चैलेंज है ना, आई फील इट इज ऑल द माइंडसेट एटीट्यूड, आप जैसा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा सोचोगे ना वैसी होगी, जैसे नज़ारे आप देखना चाहते हो नज़र वैसी रखो, नज़ारे बने आप दिखेंगे सर, पर इन रियलिटी -38 डिग्री में क्या फील होता है, फीलिंग लेस होते हो आप, फीलिंग होती नहीं है यार, एंड ठंड में सर्वाइवल इज नॉट ईजी, गाड़ी अगर आपने ऑन करनी है, नॉर्मल आदमी ठंड में शायद रात को एक बार भी नहीं उठता होगा, वहाँ पे एक जवान को एमटी में मैंने चेक किया, मैं कैसे करते हो आप लोग गाड़ी कितनी बार ऑन करते हो, तो रात को 5 से 6 बार गाड़ी ऑन करनी पड़ती है, एक एक डेढ़ घंटा गाड़ी को ऑन रखना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी आपकी सुबह स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी के नीचे जहाँ आपका फ्यूल टैंक होता है उसके नीचे तकरीबन 40 से 45 मिनट आपको लगा के रखना पड़ता है स्टोव, ताकि उसका जो है वो लिक्विड स्टेट में आ जाए फ्यूल, ताकि आपकी गाड़ी चल सके, जम ना जाए, ऐसी कंडीशन है। अदरवाइज लोगों को क्या लगता है, स्कूटर नहीं स्टार्ट हो रहा, आपने थोड़ा सा टिल्ट किया एक एक मारी स्टार्ट हो गया, बट वहाँ पे गाड़ी चलाना दूर की बात है, सुबह गाड़ी चला सके उसके लिए पूरी रात में 5-6 घंटे जग करके वो गाड़ी ऑन रखता है जवान, सोता कब है, सुबह भी ड्यूटी है, 5-6 बार उसको गाड़ी ऑन करनी है, सर्वाइवल इज नॉट वेरी इजी। मैं तो एक बार उठी रात को, पानी है आपके साथ से जा रहा है बट आपको फिर भी पानी नहीं मिल रहा है, आई कैन शो यू द फोटोग्राफ जहाँ पे बकेट रखी है, बकेट के ऊपर माई टूथ ब्रश एवरीथिंग इज केप्ट, वो उसके नीचे नहीं जा रहा है, आप ऐसी कंडीशन में आप रह रहे हो, बर्फ़ है चारों तरफ, आप इतनी बर्फ़ इकट्ठी करेंगे एंड उसमें से इतना सा पानी निकलेगा, एंड जब आप गर्म करके निकालते हैं बिलीव मी उसका कोई टेस्ट नहीं होता, आपकी प्यास ही नहीं बुझती है। सो ठंड में चैलेंजेस बहुत हैं, बट मैं तभी तो बोलता हूँ इंडियन आर्मी जो है वो अपने आप में एक ब्रांड है और ज़बरदस्त ब्रांड है, यू नो, आप मेरे को कहीं पर भी दिखाइए, मैंने अपने अपोजिट देखे काउंटर पीएस, अगर चाइना की बात करें उनके ट्रूप्स हैं, उनके पास में हथियार ज़रूर होंगे, बहुत अच्छे अच्छे वेपन होगा, टेक्नोलॉजी होगी, बट एक हिंदुस्तानी जवान और एक दूसरा चाइनीज जवान, देर इज नो कंपैरिजन। गुड़ और चने खा करके भी हमारे जवान लड़ते हैं, दे नेवर कंप्लेन, उनका जवान नहीं लड़ सकता, मैंने उनको देखा है जिस तरह की गाड़ी में आते हैं वो बर्फ में, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, इक्विपमेंट पहनते हैं, आप उसको ठंड में खड़ा करके देखो 2 मिनट में, यहाँ पे एक सरकारी इशू वाला जो कोट मिलता है उसके अंदर बहुत खुश है जवान, ठीक है, और पूरी हिम्मत से बिल्कुल मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करता है। उसी माहौल में मैं किसी दूसरी कंट्री का अगर खड़ा कर दूं हिल जाएगा, नहीं कर पाएगा, हिंदुस्तानी फौजी है जो कर लेता है, खुश रहता है उसके बावजूद भी, जब भी पूछो तो बड़े चार्जअप रहता है और हमेशा बोलता है मेरा देश मेरी फौज, नाम नमक निशान, ये 3 वर्ड हैं छोटे से, इसके लिए कर जाते हैं लोग, तो ठंड वन मायने नहीं रखती, खुश होकर जाते हैं लोग। आपका दिमाग कैसे बदलता है ऐसे एक्सपीरियंस के बाद, आप कैसे बदलते हो एज अ मैन? यार हमेशा पॉजिटिव सेंस में बदलते देखा है मैंने, जब आप देखते हो ना चैलेंजेस और लोगों को देखते हो उसमें भी खुश है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी सिचुएशन है जहाँ पे आप गए आपके पास खाना कम है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं तो मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 लोग हैं और 1 रोटी का टुकड़ा है सर आपके पास में, भूख तो सभी को बराबर लगी हुई है, थके भी उतने ही हुए, आपने उतना ही किया, बट उम्र के लिहाज के हिसाब से हमेशा ये देखते हैं, फौज की सिखलाई ये कहती है कि अगर तो सबसे छोटा है 4 टुकड़े करोगे तो सबसे बड़ा टुकड़ा उसके पास जाना चाहिए जो सबसे जूनियर है, और पहले उसके पास जाना चाहिए, अगर ज़्यादा किसी को ज़रूरत है तो सीनियर आदमी ये भी बोलेगा कि भाई मुझे भूख नहीं है मैं खा करके आऊँ, बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, 2 इससे दिए जाएँ बट जूनियर को दिए जाएँ, हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही देखा है मैंने, किसी एक को गोली लगती है ना तो फीलिंग आती है वेंजेंस की कि भैया छोड़ेंगे नहीं, किसी एक को लगती है तकलीफ दूसरे को होती है, नहीं तो मैंने बहुत मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ मैंने सिविल में देखा है आदमी को एक्सीडेंट से चोट खाते हुए दिल्ली में अलग अलग प्लेसेस में जहाँ 7 से गाड़ी निकाल के गए हैं लोग लेकिन किसी ने रोक के मदद नहीं करी, बिल्कुल, मैं रात को वहाँ पर रुका हूँ उसको उठाया हॉस्पिटल लेके गया हूँ, आपको जो स्टेटमेंट देने आना पड़ेगा, मैं भाई जहाँ बुलाना है उधर बुलाना है, फिलहाल इसको ट्रीटमेंट दो, दूसरे की तकलीफ आप महसूस करते हो ना, ये फौज सिखाती है आपको कि आदमी दूसरे के घर में कुछ अच्छा होता है तो लोग सेलिब्रेट करते हैं, किसी एक को तकलीफ होती है 10 लोग है ना मायूस होते हैं उस तकलीफ को शेयर करते हैं। सर आपके पहले कॉम्बैट ऑपरेशन में
क्या आपने किसी को गोली लगते हुए देखा? पहले मैं नहीं, बट हाँ वैसे देखा मैंने। जब पहली बार किसी को गोली लगी आपके सामने, आपके दिमाग में क्या चला? यार उस समय सिर्फ एक ही चीज़ होती है उस समय ना, बाकी और कुछ चीज़ समझ में नहीं आती। जब आपके बंदे को चोट लगती है ना, आपका सारा फोकस और सारी एनर्जी सिर्फ इस तरफ लगती है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी रूल तोड़ने पड़े, आपको किसी भी हद तक जाना है आप वहाँ पे जाओ, बट ये बंदा मेरा बचना चाहिए। एक मैं ऑपरेशन छोड़ी, मैं एक ट्रेनिंग का देता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैं असम राइफल में अपना नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक ट्रेनिंग इवेंट था, मैंने एक इंसिडेंट देखा जहाँ पे ग्रेनेड फायरिंग की क्लास चल रही थी। ग्रेनेड फेंका एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ कि जहाँ बंदा खड़ा एकदम से स्पार्क दिखाई दिया, एंड मैंने उसके बाद में एक सीएचएम को कूदते हुए देखा और एक जवान को देखा मैंने गिरते हुए, रिक्रूट को जो अंडर ट्रेनिंग था। मुझे लगा शायद वो जंप करके उन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली है, बट उसके बाद में चंद एक सेकंड के बाद में जब कोई हरकत नहीं, वो उठे नहीं, तो वहाँ दौड़ करके जब उनको चेक किया तो उस जवान का मैंने देखा, ही वॉज जस्ट मुश्किल से ले दे करके 18 साल का था। गर्दन का ये जो हिस्सा है इतना इतना पूरा जो है गैप था, गैप था, मतलब पूरा सब कुछ खत्म था। गर्दन ऐसे लटकी हुई थी एक साइड में। उस समय इधर उधर देखा, कुछ समझ में नहीं आया। कॉटन का बंडल था वो उठा के उसकी गर्दन के बीच में फिट किया है यहाँ पे, ताकि गर्दन एटलीस्ट एक पोजीशन में खड़ी रहे, और बालों से ऐसे पड़ा हुआ है। आई डोंट नो, शुक्र है विंड पाइप और बाकी चीज़ में नहीं लगी थी, बट मेजर पोर्शन फ्रॉम दिस साइड ना गॉन। एंड उस जवान ने मेरे को इतनी जोर से पकड़ रखा था एंड खींच रहा था मुझसे जोर से, एंड वो शाउटिंग लाइक एनीथिंग, नाम लेके, राजीव साहब मुझे बचा लो साहब, मैं इकलौता लड़का हूँ साहब, मेरे माँ बाप का घर में, मेरे पापा मम्मी का। उस समय भी आई कैन अंडरस्टैंड, वो अपने बारे में नहीं अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा था कि और कोई नहीं उनका ख्याल रखने के लिए, सर मुझे रहना है इसलिए कि उनका ख्याल रख सकूँ, प्लीज़ साहब मुझे बचा लो सर, मैं मरना नहीं चाहता सर। मेरे इमोशन उस समय, मुझे भी रोना आ रहा था, मुझे भी लग रहा था यार क्या हो गया, यंग बच्चा है बिल्कुल, इसके बाद मैं खुद भी यंग ही था उस समय, कप्तान ही था मैं। एंड मैं फिर भी उसको बोला, मैं क्या हुआ बड़ी, कुछ नहीं हुआ, नथिंग, क्यों इतना हल्ला मचा रहा है, मैं थोड़ी सी चोट लगी यहाँ से वजह ठीक, कुछ नहीं होने वाला। बट बिलीव मी यार, वो इतना जोश दिखाने के लिए भी जोर है ना अंदर से लगता है बहुत ज़्यादा यार, एंड टू प्रिटेंड समथिंग विच यू आर नॉट, मन में कुछ और आ रहा है, लग रहा है अंदर से यार ये गया बंदा, फोर शॉट बच गया कि नहीं, मन मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी उसको तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तू हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ी ले चलेंगे तेरे को, दो लोग बैठ सकते हैं चॉपर में। उसको कैसे कैसे फोल्ड करके डाला चॉपर में मेरे को याद है, यहाँ से बाल पकड़ रखा है, यहाँ पे ये लगा रखा है, कुछ ड्रिप लगा रखे डॉक्टर ने, किसी तरह से बस अंदर ठूस करके भेजा गया वहाँ पे। डॉक्टर को उसके साथ बिठाया एंड मैंने साथ में गाड़ी चलानी शुरू करी, वहाँ से नागालैंड पहुँचे जहाँ क्लोजेस्ट हॉस्पिटल था, लेकर के गए। कॉन्फ्रेंस चल रही थी, डॉक्टर से बोला कॉन्फ्रेंस है, वहाँ जाके मैं अंदर गया, मैं कॉन्फ्रेंस गई तेल लेने के लिए, बंदा चेक करो, डॉक्टर्स वर ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने देखा कि पता नहीं था, तब तक बता दिया लोगों ने कि कैजुअल्टी आ रही है, उन्होंने ट्रीट किया, दो दिन ट्रीटमेंट में रखा उस बच्चे को, बहुत कोशिश करी, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट डन बाई डॉक्टर्स टीम एवरीवन, नहीं बचा। इवन मोस्ट डिफिकल्ट, उससे ज़्यादा मुश्किल टाइम दो दिन के बाद था, जब उसके पेरेंट्स की टिकट बुक कराए, उनको अभी तक पता भी नहीं था कि बच्चा नहीं रहा। उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए मैं गया, जवान की ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ, उसके पेरेंट्स आए, मैंने उनके पैरों को हाथ लगाया, उनको रिसीव किया, आँख से पता लगना चाहिए था उनको, बट वहाँ भी मजबूती से खड़ा रहा, मैं कैसे हैं आप, दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में, बोला वो बच्चा मैं आई आई लेके चलते हैं, वहाँ लेकर के गए। उसके बाद में फादर को अलग किया, मदर को अलग किया, और उसके बाद में बिकॉज ऑब्वियसली लेडीज शायद है ना सस्टेन नहीं कर पाती उतना प्रेशर, उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। एंड दैट वॉज द टाइम विच वॉज इमोशनल ब्रेक डाउन फॉर मी ऑल्सो, जो हो गया मेरी आंखों के सामने वो तो चलो, मैं उसको हौसला दिलाने के चक्कर में खुद को बड़ा मजबूत रखा, बट एक फादर को एक यंग बच्चा एंड एक लौता बच्चा जाते हुए देख के है ना, वो वहीं पे घुटनों में बैठ गए, वो उनमें जान ही नहीं बची थी, बड़ी मुश्किल से उनको खड़ा करा बैठाया, फिर उनको समझाया कि अपनी वाइफ को भी कैसे बताना है, फिर वो देखना चाहते थे बच्चे को क्या दिखाएंगे कि इसके नीचे सब गायब है पूरा, तो मैं फेस नहीं देख सकते आप, ठीक है। मदर को मना किया गया कि फौजी कुछ नॉर्म्स हैं, समझाया उनको ये वो, फादर को दिखाया, बट वेरी डिफ़िकल्ट। रात को 4 बजे भी ऐसा हुआ है कि जहाँ पे एक फ़ोन आता है और वो कहता है कि सर CO सो एंड सो RR पॉजिटिव इन द ऑपरेशन। अब ये 24 घंटे बजता रहता मेरा फ़ोन, बिकॉज आई वॉज इन सच ए ब्रांच जहाँ पे वी वर डीलिंग विद ऑपरेशन, कहीं पे भी हो रहा हो इट वॉज थ्रू अस। अब हर बारी जितनी बार फ़ोन बजता है कितनी बार लोगों को डर लगता है फ़ोन, जनता वॉलंटरली पूरे दिन भर फ़ोन में उंगली करती है, कि मेरा फ़ोन ना बजे तो बहुत अच्छा है, वही तो है ना, बिकॉज वो हमेशा रहता मन में, फ़ोन बजेगा तो वो बोलेगा सब ये कैसे चौपर चाहिए, एक बंदा गया एक और गया, एंड इट हैपन्स, रूटीन है ये। आप RR में देखिए, JNK में और हर रोज़ एक बंदा किसी घर से जाता है, इट्स वेरी पेनफुल है ना अपने बंदे को देखना।
इमेजिन 4 बजे आप किसी के घर में जाते हो एंड यू हैव टू टेल, आपको घर में बताना है उनको कि सो एंड सो, कर्नल सो एंड सो और मेजर सो एंड सो इज नो मोर. आसान नहीं है, फिर भी हिम्मत करके गए घर पे, नॉक किया 4 बजे. उस लेडी की आप हालत सोचो जिसको आदत नहीं है कि भाई 4 बजे मेरे घर की कोई बेल बजाएगा, बट आज अचानक से बजती है. उनको ये भी पता है कि काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इलाके में मेरे हस्बैंड कमांड कर रहे हैं और ऐसा सा माहौल है. 4 बजे घंटी बजने के साथ साथ मन में 10 तरह के है ना ख्याल आते हैं और सही आते हैं कि घंटी अच्छी नहीं बजी है, 4 बजे बजा, कुछ हुआ है. इट इज नॉट द नॉर्मल रूटीन. जब सामने खड़ा हुआ एक फौजी ऑफिसर दिखाई दे और उसकी शक्ल में लिखा होता है साफ साफ कि है ना ये कोई अच्छी बात बताने के लिए नहीं आया यहाँ पे, तो उसी समय हाव भाव चेंज हो जाते हैं पूरी बॉडी के. बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब ठीक है. बड़ी रो करके मायूस आवाज में पूछा उन्होंने लेडी ने, होप ऑल वेल. ऑल इज नॉट वेल, मूवीज में है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. एवरी टाइम थिंग्स आर नॉट वेल. मैंने उनको बताया ये है एंड खुद को भी रोना आ रहा है बताते समय. एंड वहाँ पे व्हेन यू सी ए लेडी, मैंने कहा मैम ऐसे से हुआ है. उनका कोई रिएक्शन नहीं था. शी वेंट इनसाइड, अपनी बेटी को उठाया, उसके हेयर कॉम करने लगी एंड शी वाज जस्ट बिहेविंग वेरी नॉर्मल. आई न्यू शी लॉस्ट सेंसेस. उसके बाद में वो बॉडी वहाँ लेकर के आई जाती है. रिचुअल्स में लेडी को भी वहाँ पे लेकर के आए. शी वॉज नॉट एबल, वो खड़े होने की हिम्मत में नहीं थी. उनको इंजेक्शंस दे करके विद द हेल्प ऑफ नर्सिंग उनको वहाँ पे खड़ा रखा है. शी दैट शी कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द रिचुअल्स, वहाँ पे लेकर के आए. उसके बाद में व्हेन डेड बॉडी को घर भेजा जाता है पेरेंट्स के पास में, लेडी को भी साथ में भेजना है, बट सेडेशन दे करके भेजा है एटलीस्ट वो सफ़र ठीक ठाक कर लें घर तक का. उस हालत में भी नहीं ठीक से बैठ सकें, बच्चे छोटे छोटे हैं. कहना बड़ा आसान है, लोग है ना 2 दिन लगाते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं कि ओके जिंदाबाद, शहीद, नमन एंड ऑल दैट. रिप रिप रिप, व्हाट बड़ी फद्दू अंग्रेजी, रिप. बिल्कुल. किसी के घर से कोई बंदा जाता है ना, उसकी भरपाई लाइफ लॉन्ग है. अभी तो यही बताती हूँ, लोग एक बार करके अपनी आहुति देके सब कर देते हैं धन्यवाद. उसके बाद कितने लोग पूछते हैं, कोई याद नहीं रखता. 1 महीने बाद कितने लोग जानते हैं, कितनों को पता है उनके बच्चों को क्या हुआ. बिल्कुल. व्हाट आर दे डूइंग, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है. फौज है, यूनिट है, वो तो फिर भी अपने तरीके से संभालते हैं, बट वैसे आस पड़ोस से कितने लोग आते हैं, आई डाउट. सो आसान नहीं है यार. बिल्कुल. मतलब आपने बाहर बैल्कनी में मुझे बॉर्डर फिल्म के बारे में बोला एंड आम जनता शायद आर्मी के इन इमोशंस को सिर्फ मूवीज से जानता है. नथिंग एज कंपेयर टू देम जो रियल लाइफ है, जिसे देख के आपको लगा हां दिस इज समव्हाट क्लोज टू इट्स नॉट द इमोशंस वी फील. नो इट्स नॉट इवन, नॉट इवन 1%. मूवीज तो हैं, पुरानी मूवीज हैं, अगर मैं देखूं तो उसमें बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया. 1% ऑफ कोर्स, अगेन वेरी गुड मूवी, मैं खुद बहुत देखता था. हां मूवी अच्छे पर जब मैं अपनी एसएसबी के लिए जा रहा था तो 2 ही मूवी थी जो देखता था, कि ये और एक प्रहार. क्यों देखते थे आप? आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता था यार कि ये है जो मैं करना चाहता हूँ. अभी मेरे कोर्समेट भी हैं जो साथ के हैं, वो बताते हैं, कहते तू विस्लिंग करता हुआ आया था उस गाने की ना प्रहार की, एंड जब गए थे सिलेक्शन होकर के तो भी वही सिटी पे जा रहा था तू. एंड अभी भी कुछ कोर्समेट जो कहते हैं वो विस्लिंग बना के दिखा मुझे. ओके हमें भी सुना. आई सॉ इन दैट कि है ना कि कितना मुश्किल दिखाया गया है उसमें, कि प्रहार मूवी में ऐसा होता है, ये कोर्स होता है इसमें करते हैं, जहाँ लोग इतने थके हुए हैं दिमाग और दिल दोनों का कनेक्शन टूट जाता है बिल्कुल, है ना. दे वो एकदम आपको लिमिट पे लेके जाते हैं कि आप कितनी लिमिट हो सकती है. एंड बिलीव मी, आदमी को अपने शरीर की और अपने दिमाग की ना काबिलियत का तब तक नहीं पता लगता जब तक आप है ना उसका चेक ना करो. एंड कमांडोज में ये चीज़ देखी है मैंने. वहाँ पे एक उस्ताद को हवलदार हैं, ठीक है, और ऑफिसर्स कोर्स पे ऑफिसर्स को रगड़ रहे हैं, बट वो आपको रियलाइज होता है जब आखिरी दिन आप पहुँचते हो कि एक आदमी वो उस कोर्स में पास कराने के लिए 5-5 लोगों को दोनों साइड से पकड़ के खींच रहा होता है, तो आपको लगता है अरे ये बनना है, ऐसा करना है. मेरा मोटिवेशन रहा हमेशा से, मैंने करना है, और भगवान का कुछ ऐसा रहा, मैंने पहला कोर्स भी वही किया, कमांडो कोर्स. पहला कोर्स वही करने को मिला हमारे कोर्स को, नहीं तो पहले वाई होता है, मैंने पहले कमांडोज किया. मैंने उसमें बेस्ट इन फिजिकल्स लेकर के आया, हमारा मूवी भी देखा था मैं, ये वाली ट्रॉफी चाहिए मुझे. बेस्ट इन फिजिकल, मेरी दोनों टांगें टूट गई थी दौड़ दौड़ के 40 किलोमीटर में 30 km में, एंड दोनों टांगें टूट गई. जोश में ना इसका भी दे दो वजन, उसका भी उठा लो, एक्स्ट्रा करता हूँ थोड़ा, टोटली शैटर्ड. एंड लास्ट डे जब 30 km रन था तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, बोला कि भैया तुम्हारी टांगें होंगी, जय हिंद, अभी मजे करो. मैं सर इतना बढ़िया कर रहा हूँ कोर्स में, हर जगह आगे आ रहा हूँ, अभी वापस नहीं जाना. तो मना कर दिया उन्होंने अंदर से, मैं चिटके नहीं लगाई, कूदा किसी की साइकिल उठा के, मैं चलो भैया पहुँचा वहाँ पे. एंड वो बोला कि डिस्चार्ज स्लिप, मैंने कहा डॉक्टर से बोला लेट हो जाओगे, तुम दौड़ो हमारे. डॉक्टर से वैसे ही आना था ढूंढते हुए, मैं पहुँच गया वहाँ पे. 15-15 मिनट के गैप पे छोड़ते हैं बैचेस को ना, ताकि कंजेशन ना हो. मैं 3रे बैच में छोड़ा गया था, तो मेरे और पहले वाले बंदे में 45 मिनट का तो ऑलरेडी गैप था.
बड़ा उसके बाद में दौड़ा, पट्टी वट्टी बांध करके, लकड़ी भी काटी थी थोड़ी, उसमें कपड़ा वगैरह बांध के मॉडर्न क्रचेस बनाए थे अपनी, मॉडिफाइड करके दौड़ा, और जो 45 मिनट मुझसे पहले गया था उसको रगड़ दिया, उससे आगे गया. Oh my gosh, this is just fantastic. Amazing. जो truth, मतलब actual, जो बता रहे हैं life, वो है. और मैं आप कई बार, आप लोग कहते हो ना, कई होते हैं कि आप ऐसे क्यों बोलते हो, या पाकिस्तान के आप इतने अगेंस्ट क्यों, या पाकिस्तान की इतनी वीडियोस क्यों करते हो. रिक्वेस्ट तो आती है, पर उसमें हम, मेरा पर्पस यही होता है अवेयरनेस लाना इन इंडिया कि देखो जहां हमारे सोल्जर्स जो हैं जिनके साथ लड़ रहे हैं, दे के नॉट बी फ्रेंडली फॉर अस, जब तक हमारे वहाँ पे बॉर्डर पे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ शहीद ना हो, या उनको ऐसी स्ट्रगल्स फेस नहीं करनी पड़े. और द रीज़न बिहाइंड, मैंने कई बार शेयर करने की कोशिश भी की है कि मैं जब, मैं अगर पता नहीं है, मेरे पापा भी एयरफोर्स में हैं, रहे हुए हैं, और हम, मैं मतलब थ्रू आउट, मतलब एयरफोर्स आर्मी ऐसी ही फैमिलीज़ के साथ, स्कूलिंग भी मेरी सारी वही हुई हुई है. और मैं जब कॉलेज में जाती थी तो बस में मेरे साथ जो एक लड़की बैठी थी, वो भी मतलब सेम ही कॉलेज में थी मेरे साथ, और वो मेरे साथ बाय चांस, मैं उसको जानती नहीं थी, वो बाय चांस मेरे साथ बैठी, और जब हम बात करने लग गए, हाय हेलो हुई, तो उसको पता चला कि मेरे पापा भी जो है आर्म्ड फोर्सेस में है, तो उसने मुझे बताया कि मेरा भाई भी जो है वो आर्मी में है. तो मैं बड़ी खुश हुई. तब उसके बाद जब बातचीत हुई तो उसने बताया कि उसकी, मेरे जो भाई है उसकी डेथ हो गई है कारगिल की वॉर में. और जो जब उसने वो बताया और जो उसकी हालत थी और उसकी मदर के बारे में जब उसने बताया, वो जो धक्का और शॉक मुझे जो, जिस तरह से उसने पूरा अपना दिल खोल के बातें बताई, मैं कांप गई थी. मेरा रोना निकल गया था, मुझे समझ नहीं आई थी मैं उसको क्या बोलूं. मैं, जिसने इतना बड़ा लॉस झेला है, वो प्राउडली बता रही है, पर उस, वो टूटी पड़ी है कि अब मैं अकेली हूँ, मेरी मदर हैं, फादर भी नहीं हैं, वो भी आर्मी में ही थे अपने टाइम में, और उन्होंने भी देश के लिए किया था, मेरे भाई को भी था कि मैं जाऊँगा, अब वो भी नहीं है, अब मैं ही हूँ खाली. तो और उसने इतना जो बताया, तो वो जो सब मैं भूल नहीं सकती. तो दैट इज़ द रीज़न. और जब इन्होंने बताया वो, देखो कि तो ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं कि भाई आपको रियलाइज़ होता है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो आर्मी में हैं, कितने स्ट्रॉन्ग और अपने देश के लिए. नहीं, अगर आपकी फैमिली में कोई एग्जाम्पल हैं, जैसे 1971 में, बोलना चाहूँगा, हमारे रिलेटिव थे बहुत ही क्लोज, जिनकी भी मृत्यु हुई थी एट एज ऑफ 23 साल के फाइटर पायलट रिलेटेड हैं. तो जब वैसा कुछ होता है तो जो आपके अगर रिलेटिव हैं तो आपको नज़र आता है इम्पैक्ट, उसका कितना ह्यूज इम्पैक्ट होता है, स्पेशली मदर और फादर पे इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है कि उनका ज़िंदगी को देखने का तरीका चेंज हो जाता है, उनका लाइफ में आप कह सकते हैं भरोसा टाइप का उड़ जाता है, उनको लगता है कि मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? वो कोई फंक्शन फेस्टिवल बनाना बंद कर दे. करेक्ट, वो मदर जो है पूरी जिंदगी भर यही भगवान से पूछ रहती है कि मेरा ही बच्चा क्यों. जो दूसरे लोग हैं वो तो बोलते हैं ग्रेट, शहीद हो गए, वेरी गुड, शहीद हो गए, देश के लिए कर दिया, दैट इज ओके. बट उनको इम्पैक्ट नहीं पता, इम्पैक्ट जिसके साथ होती है उसी को इम्पैक्ट. जैसे इन्होंने बताया कि जिंदगी, आप तो उन्हीं लोगों को सैल्यूट लिख देते हो व्हाट्सएप करके, उन्हीं लोगों को पता होता है कि वॉर का मतलब क्या है, कि वॉर ना हो तो बेटर है, होगी तो जाएंगे लड़ेंगे, मगर इम्पैक्ट क्या है जिसके ऊपर हुआ है उन्हीं को फर्क पड़ता है. स्पेशली ये सदियों से उन्हीं के साथ हुआ है जो नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में है, क्योंकि सारे अटैक्स वहां से होते थे. तो बहुत अच्छा एक एग्जांपल है जहां वो बता रहे हैं कि कितना डिफ़िकल्ट है वहां पे ये सब करना. लोग तो उस वक्त शहीद करके आरआईपी, रेस्ट इन पीस करके चले गए, बाद में उनकी फैमिली के साथ क्या होता है, देयर इज नोबडी टू चेक. और रियलिटी में होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट के यूनिट्स होते हैं और गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि जवान की जो पूरी पीछे जो सर्वाइविंग मेम्बर्स हैं वो ज़िंदगी भर के लिए कवर्ड हो बाई गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि करना चाहिए, अगर नहीं करती तो करना चाहिए कि इमीडिएटली जॉब दी जाती है. नॉर्मली होता है इमीडिएटली जॉब दी जाती है सर्वाइविंग मेंबर्स को, जिससे पूरा घर चल सके. बट इट्स वेरी टफ लाइफ. तो उन्होंने बहुत अच्छा किया. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान कमज़ोर है, मगर बता रहे हैं जिसने खुद सफ़र किया है, आप उससे पूछिए, उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है
लाइफ में, इनको देखो क्या क्या इन्होंने देखा है, इनके ब्रेन yes. में याद दिमाग में कितना कुछ, मतलब दे हैव सीन, ओह माय गॉड, लाइफ ये सब देखने के बाद भी कितनी हार्ड होती है, वो जस्ट कह रहे हैं गवर्नमेंट इश्यूड जो जर्सी है उससे खुश है, नहीं है वो ठीक, आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट देना है जवानों को, वो अपना हमारा फर्ज है, कंट्री का फर्ज है, वो कंट्री का फर्ज है, ये तो जवान कह रहे हैं कि मेरे को उसको देशभक्ति है, जवान में देशभक्ति है, मगर लोगों को कहना चाहिए नहीं, इंडियंस मेरे जवान के पास बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए। अभी तो मैंने कहा था जब कई बार बोलती हूँ कि अगर देना है तो यहाँ दो, अपनी कंट्री में दो, पर एनीवे दिस इज जस्ट अ फैंटास्टिक, जिस तरह से वो बता रहे हैं ना, इट इज बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।